ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਆ ਮਾਨ ਨੇਬੋਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਆ ਮਾਨ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ हरियाणा के चोन दंगल के अरविंद केजरीवाल यमुनानगर के जगाधरी के कढ़िया रोड शो आम आदमी पार्टी के लिए मंगियां वोटां दिल्ली च पंजाब यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रवनीत बिट्टू की रिहायश के घराव की की कोशिश दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों हिरासत में लिया राहुल गांधी खिलाफ दिल्ली च बीजेपी ओबीसी मोर्चे ने किया मुजहरा राखवेंकरण से राहुल के बयान से जताया विरोध बीजेपी वर्करों ने पुलिस वालों की बैरीकेडिंग तोड़ी तेलंगाना के कांग्रेस विधायक ने रवनीत बिट्टू को दी जानों मारने की धमकी क्या बिट्टू का सिर कलम करने वाले को देवगा एक एकड़ जमीन तो केंद्रीय मंत्री बोले 84 तो हूं तक कांग्रेस सिखों के खून की प्यासी पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की वड्डी कार्रवाई गैर कानूनी तरीके दे नाल चल रही 600 बसां दे परमिट किए रद्द लालजीत भुल्लर बोले बादले परिवार दियां 30% बसां दे परमिट कैंसल न्यायिक हिरासत दे विच भेजे गए चंडीगढ़ ग्रनेड अटैक के दोवें मुलजम अज रिमांड खत्म होने से रोहन मसीह ते विशाल मसीह नूं अमृतसर कोर्ट के किया गया पेश जल्द चंडीगढ़ पुलिस प्रोडक्शन फ्रंट से लिया के कर सकती है पुछगिछ सत श्रीकाल तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है रुक करांगे वड्डी खबर का बुढ़े नाले की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री मान एक्शन के नजर आ रहे हैं सीएम मान ने नेबोला ग्रुप के नाल मीटिंग की है बुढ़े नाले एक मिशन के तहत साफ करांगे मुख्यमंत्री मान का वड्डा बयान मेरे सामने आया उनका कहना है कि तीन पड़ाव के सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा लंबे समय तो चुकया जा रहा बुढ़े नाले की सफाई का मुद्दा बुढ़े नाले के पानी के TDS की मात्रा घटाने जोर दिता जाएगा नेबोला ग्रुप ने ओजोन टैक्नोलॉजी के नाल बुढ़े नाले की सफाई का प्लान पेश किया है इस टैक्नोलॉजी के नाल जिहड़ा कि सफाई का काम शुरू किया जाएगा क्योंकि बहुत लंबे समय तो यह नहीं कि 2-3 साल पुराना ही मुद्दा है कई सालों तो लगातार यह वड्डा मुद्दा रहा बुढ़े नाले की सफाई का जिसके कारण लुधियाना वासियों खास तौर पर बुढ़े नाले के नेड़े जिहड़ी वस्तु है रिहायश है जिहड़े लोगों की उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पैंदा तो लगातार इसकी उन्होंने वालों मंग भी की जाती है कि मुद्दे का हल किया जाए बुढ़े नाले की सफाई की जाए तो इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री मान पूरे एक्शन के नज़र आ रहे हैं सीएम मान ने नेबोला ग्रुप के नाल मीटिंग की है सीएम मान ने कहा कि बुढ़े नाले एक मिशन के तहत साफ करांगे तीन पड़ा के सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा लंबे समय तो दरअसल बुढ़े नाले की सफाई का जो मुद्दा चुकया जा रहा बुढ़े नाले के पानी के TDS की मात्रा घटाने जोर दिता जाएगा नेबोला ग्रुप ने ओजोन टैक्नोलॉजी के नाल बुढ़े नाले की सफाई का प्लान भी पेश किया ओजोन टैक्नोलॉजी के नाल दरअसल यह सफाई का काम जो कि आने वाले दिनों शुरू किया जाएगा तो हुण यह साफ कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों इसते काम शुरू हो जाएगा जिसके चलदियां लुधियाना वासियों को एक वड्डी राहत मिलेगी जो ये पूरा सफाई का काम मुकम्मल होगा क्योंकि तीन पड़ा के सफाई का काम होना है तीन पड़ा के सफाई का काम जो कि मुकम्मल किया जाना है मुख्यमंत्री मान के वालों कहा गया कि बुढ़े नाले एक मिशन के तहत जो कि साफ किया जाएगा तो मीटिंग तस्वीर विखा रहे हैं दरअसल मुख्यमंत्री मान की अगवाई के नेबोला ग्रुप के नाल एक मीटिंग हुई है इसके बाद ही सीएम ने कहा कि बुढ़े नाले एक मिशन के तहत साफ किया जाएगा तीन पड़ा के सफाई का काम मुकम्मल होगा पंजाब सरकार दे वल्लों 30 किसान परिवारों नूं नौकरी दित्ती गई है किसान अंदोलन दे पीड़ित परिवारों नूं सरकारी नौकरी दित्ती है खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत खुंडिया ने नियुक्ति पत्र वंडे ने खेतीबाड़ी ते किसान कल्याण विभाग दे विच इह नौकरियां दित्तियां गईआं ने किसान अंदोलन के दौरान जान गुआउण वाले किसानों के परिवारों नूं दरअसल परिवारक मैंबरां नूं इह नौकरी दित्ती गई है तां असीं तस्वीरां वी विखा रहे हां पंजाब दे खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया दे वल्लों इन्हां नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए ने पंजाब सरकार के वलों दरअसल 30 किसान परिवारों नूं सरकारी नौकरी दिती गई है खेतीबाड़ी मंत्री गुरमीत खुंडिया ने जिन्हां नूं नियुक्ति पत्र वंडे दरअसल खेतीबाड़ी ते किसान कल्याण विभाग के सरकारी नौकरियां दित्तियां गईआं ने
अगे वधांगे ते गल करांगे हरियाणा के चोण मैदान की। हरियाणा के चोण पिंड दे विच नित राय ने अरविंद केजरीवाल यमुनानगर के जगाधरी दे विच रोड शो कढ़िया जा रहा है। सीएम का अहुदा छड्डण तो बाद यह पहला रोड शो है अरविंद केजरीवाल का। पार्टी उम्मीदवारों दे उहदे वल्लों समर्थन लगातार जुटाया जा रहा है। अज वख-वख थावां ते अरविंद केजरीवाल के जो कि प्रोग्राम ने वख-वख जगावां ते इस तरीके दे नाल उहनां दे वल्लों चोण प्रचार किया जाएगा। रोड शो कढ़े जाणगे यमुनानगर के जगाधरी दीआं तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हां जिथे कि अरविंद केजरीवाल के वल्लों यह रोड शो कढ़िया गया। सीएम का अहुदा छड्डण तो बाद यह पहला रोड शो अरविंद केजरीवाल ने कढ़िया। झूठा फर्जी केस करके सीधा जेल से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। इन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की। तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो। केजरीवाल जो सामान्य मुजरिम होते हैं उनको जो सुविधाएं मिलती हैं जेल में वो भी नहीं दी गई। कई दिनों तक तो मेरी दवाई बंद कर दी इन्होंने। पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ। ये मेरे को तोड़ना चाहते थे लेकिन इनको ये नहीं पता मैं हरियाणा का हूं। मेरी रगों में हरियाणा का खून दौड़ रहा है। तुम किसी को भी तोड़ सकते हो, हरियाणा वाले को नहीं तोड़ सकते। और इन्होंने जो कुछ भी करा मेरे साथ, हरियाणा का बच्चा बच्चा उसका बदला लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? इन्होंने मेरे को जेल भेजा, अब हरियाणा वाले इनको हरियाणा से बाहर भेजेंगे। दोस्तों, पूरा हरियाणा इस टाइम बदलाव चाह रहा है। पूरा हरियाणा, जहां जाओ पता चलता है कि लोग इनको गांव में नहीं घुसने दे रहे, गली में नहीं घुसने दे रहे। है कि नहीं है? गली में नहीं घुसने दे रहे। पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है इस टाइम। और अभी तक हरियाणा में क्या था? पार्टी इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया, इससे नाराज होगा इसको वोट दे दिया। इस बार आपके सामने ईमानदार पार्टी आई है। इस बार ईमानदार पार्टी आई है। जब मैं जेल में था इन्होंने बहुत कोशिश करी हमारे एमएलए खरीदने की। इन्होंने कहा दिल्ली के एमएलए खरीद लेंगे, दिल्ली सरकार तोड़ देंगे, पंजाब की सरकार गिरा देंगे। एक एमएलए नहीं टूटा हमारा, एक एमएलए नहीं तोड़ पाए। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए ये हमारा। इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है, इतनी कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं अभी जेल से लौटा, मैं चाहता बड़ी आराम से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ सकता था, पर मैंने कहा नहीं। 14 साल के वनवास के बाद जब भगवान राम लौटे थे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, केजरीवाल भी अग्नि परीक्षा देगा अपनी। ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं केजरीवाल बेईमान है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। मैंने दिल्ली की जनता को कहा मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर आपको लगता है केजरीवाल चोर है मेरे को वोट मत देना, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तभी मेरे को वोट देना। और अगर दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल ईमानदार है और दिल्ली की जनता मेरे को वोट देके जिताएगी तभी मैं दोबारा सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, नहीं तो सीएम की कुर्सी पे नहीं। मुझे नहीं लगता किसी भी नेता ने आज तक इतनी हिम्मत की है इस तरह का बयान देने की। दोस्तों, आज आपके सामने विकल्प है। एक तरफ आपके अपने चहेते आदर्श जी हैं, आदर्श पाल जी हैं एक तरफ, 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में काम आते हैं,
सब लोग जानते हो आप लोग इनको, आपके चहेते, आपके भाई, आपका बेटा। और दूसरी तरफ कंवर पाल है, दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री आपका, बेड़ा गर्क कर दिया उसने हरियाणा के स्कूलों का, बेड़ा गर्क कर दिया पूरे हरियाणा का, करा कि नहीं करा? पूरे हरियाणा के अंदर शिक्षा माफिया चल रहा है इस टाइम, प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस बढ़ा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे? और इनकी सरकार मिली हुई है उनके साथ। दिल्ली के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है कि नहीं आपको? दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों की गुंडागर्दी बंद कर दी, पता है कि नहीं आपको? हरियाणा में भी करके दिखा देंगे, हरियाणा में भी करके दिखा देंगे। पूरा हरियाणा तो छोड़ो, मेरे को यह बता दो, पिछले 10 साल में कंवरपाल ने जगाधरी के लिए एक काम कराओ तो मेरे को बता दो, एक काम कराओ? एक काम भी नहीं करा उन्होंने, फिर क्यों वोट देते उसको? फिर क्यों वोट देते उसको? इस बार इनको मौका देके देखो, इस बार इनको मौका देखो, मेरे को बताया गया, मौका देके देखो, इस बार इनको मौका देखो, मेरे को बताया गया। ये यहां पे बर्तनों की, पीतल के बर्तनों का हब होता था जगाधरी, है कि नहीं है? सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सब बंद कर दिया, रोजगार चले गए। क्या दिया बीजेपी ने आपको? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, और आपके बच्चों को नशा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं दिया उन्होंने। इस बार पूरा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, और हरियाणा में जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की इतनी सीट, मैंने हिसाब लगाया इतनी सीटें आ रही हैं कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सब खड़े हैं। मैं पूरे मन से चरण स्पर्श करता हूं, अपनी प्रार्थना और अरदास करता हूं, लेकिन मुझे बताया गया है कि मेरा मन था कि मैं मंदिर में जाके अपना नमन करूं, लेकिन मुझे बताया गया क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, अगर इस वक्त मैं किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाऊंगा तो कोड का वायलेशन होगा। मैं फिर आऊंगा जगाधरी और फिर मंदिर जाऊंगा। आज मेरी मजबूरी की वजह से मैं यहीं से चरण वंदना करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान जी की, और आशीर्वाद लेता हूं उनका। आपके लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के तिखा निशाना साध्या। अरविंद केजरीवाल से कहा गया कि जेल दे विच मेरी दवाई तक बंद कर देती है, मैं तोड़ना चाहते सी पर यह नहीं जानते कि मैं हरियाणा तो हाँ। हरियाणा वालों बीजेपी वाले नहीं तोड़ सकते। अरविंद केजरीवाल ने भी वड्डा बयान दिता है कि मैं सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहता सी, इसलिए मुख्यमंत्री का अहुदा छड्डिया है। इस बार हरियाणा के लोगों के कोल तीजा बदल है, बीजेपी खिलाफ हरियाणा के जबरदस्त गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल बीजेपी से वरदे हुए नजर आए, सीएम का अहुदा छड्डन तो बाद दरअसल पहली बार हरियाणा के मैदान के नितरे जगाधरी के रोड शो कढ़िया गया। इस दौरान लोगों को संबोधन करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से तिखा निशाना साधिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल के मेरी दवाई तक बंद कर दी गई, ये मैं तोड़ना चाहते सी पर यह नहीं जानते कि मैं हरियाणा तो हाँ। हरियाणा वालों बीजेपी वाले नहीं तोड़ सकते। उत्थे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देना चाहता सी, इसलिए मुख्यमंत्री का अहुदा छड्डिया। इस बार हरियाणा के लोगों के कोल तीजा बदल है, बीजेपी खिलाफ हरियाणा च जबरदस्त गुस्सा है, बीजेपी से अरविंद केजरीवाल वरते हुए नजर आए। आपके लोकप्रिय नेता
रुख करेंगे अगली वड्डी खबर का। गुरिंदरपाल सिंह औजला ने अमृतपाल तो पला चाड़ लिया। हाई कोर्ट के पाई पटीशन के गुरिंदरपाल ने कहा कि वारिस पंजाब के जथेबंदी के नाल कोई भी उसका वास्ता नहीं है। जेल तो आए अमृतपाल के पत्र से मेरे फर्जी दस्तखत सन, यह भी इस पटीशन के जिक्र किया गया कि जेल तो अमृतपाल के पत्र से उसके फर्जी दस्तखत सन, पत्र से अमृतपाल से उसके साथियों के साइन सन। कैनेडा के अतवादी हरदीप निज्जर के कतल तो बाद यह लैटर लिखा गया सी। एनएसए तहत डिब्रूगढ़ जेल के बंद है गुरिंदरपाल। अपने खिलाफ दूजी बार लगाए गए एनएसए को उसके वालों चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर दिता। 3 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। एनएसए लगाए न हुण तक अमृतपाल सिंह, दलजीत कलसी, गुरमीत बुकनवाला, कुलवंत सिंह रावके चुनौती दे चुके हैं।